हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा HPCL के बारे में। इसके बारे में बात क्यों करूंगा, तो मेरे पास कई वजह हैं जो आपको समझाने की मुझे ज़रूरत है और आपको समझने की भी हो सकता है ज़रूरत हो। तो इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, तो देखिए, मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हों और लॉस होने के चांसेस कम हों। तो इस पर पहला कारण है, देखिए, इस शेयर के अंदर आज 4.5% की तेज़ी देखने के लिए मिली है और ये तेज़ी तकरीबन एक महीने सा टाइम हो गया होगा। एक महीने के बाद इसके अंदर लगभग इस तरीके की तेज़ी देखने के लिए मिली है। जब से इस शेयर ने बोनस शेयर दिए हैं अपने शेयर होल्डर को, तब से इस शेयर के अंदर इसकी चाल कुछ इस तरीके से देखी जा रही थी, 325 से और 335 के बीच में ही ये शेयर कारोबार कर रहा था। 25 से 35 के आसपास ही घूम रहा था, इसी रेंज को ना तो नीचे जा रहा था ना ही ऊपर जा रहा था। मैं सोचता कई दिन से रहा था इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे थोड़ा शक था कहीं ऐसा ना हो जहाँ से भी शेयर ये 24-25 वाला जो लेवल है इसको तोड़कर और नीचे न चला जाए। तो देखिए, इसने नीचे का तो सपोर्ट नहीं तोड़ी, लेकिन इसने रेजिस्टेंस को अपने तोड़ के बाहर निकल गया। अब इसके अंदर करना क्या है, तो देखिए, इसके अंदर अभी मुझे बहुत संभावना दिखाई दे रही है कि शेयर अभी और ऊपर जाएगा। इसके कारण भी हैं, कारण क्या हैं, तो देखिए, सबसे पहला कारण इसका जाने कि इसको बड़े ब्रोकरों ने 400 तक के टारगेट दिए हैं और ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, इसका भी कारण है, वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इसका कारण है डिविडेंड, और डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा खासा अनाउंस किया हुआ है जो अपने शेयर होल्डर को देने वाले हैं, जिसकी एक्स डेट है 9 अगस्त 2024। जुलाई का महीना चल रहा है, अभी जुलाई के महीने का शुरू ही है और अभी इसमें टाइम है पूरे लगभग एक महीने का। तो जब भी किसी कंपनी के अंदर बड़ा डिविडेंड अनाउंस होता है, उस डिविडेंड की डेट के आने से पहले उस शेयर में अच्छी खासी अप मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, और जैसे ही इसकी चाल पूरी हो चुकी होती है, शेयर अच्छा खासा भाग जाता है और डिविडेंड डेट के आने से पहले 2-4 दिन पहले इसके अंदर दोबारा गिरावट शुरू होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि इस शेयर के अंदर भी ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है आज ये बड़ा है शेयर तो कल कुछ गिर भी जाए, लेकिन बढ़ने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और ₹100.50 प्रति शेयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को बांटने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा डिविडेंड है। मात्र ₹300 के शेयर पर आपको ₹100.50 का डिविडेंड मिल रहा है, जो कि 165% होता है, बहुत बड़ा डिविडेंड है। इस डिविडेंड के कारण भी शेयर के अंदर आपको अप मूव देखने की मिलेगा, शेयर ऊपर चढ़ेगा, ज़्यादातर इसकी संभावना यही है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इसको खरीद लें, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। और जो ब्रोकर हाउस ने इसके लिए टारगेट दिए हैं 400 के आसपास तक के, उन टारगेटों को भी अचीव कर सकता है कि डिविडेंड डेट से पहले पहले। ऐसा भी हो सकता है डिविडेंड डेट से पहले थोड़ा गिरे, लेकिन उसके बाद फिर इसके अंदर अप मूव दोबारा देखने के लिए मिल सकती है। जिसने पहले से खरीदा है बहुत अच्छी बात है, और जो खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है तो यहाँ भी खरीदने की जगह है, और चाहे तो थोड़ी सी करेक्शन होने का इंतजार करें। वैसे अब मुश्किल है, हो भी सकता है जैसे आज शेयर की चाल देखने को मिली है, भागा है, एक तरफा उसने मूव दिखाया है, हो सकता है कल हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने को मिल भी जाए, लेकिन इसके चांसेस मुझे ऐसा लगता है कम हैं। और हो जाता है नीचे गिरता है तो अच्छी बात है खरीदने वाले के लिए, और जिन्होंने पहले से खरीद रखा है उन लोगों को कोई टेंशन है नहीं, वो होल्ड करें इस शेयर को जब तक कि अपने डिविडेंड को नहीं देता। अब देखते हैं इसके आज का कारोबार कैसा रहा। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपसे कह रहा था ये 25 से 35 के बीच में ही घूम रहा था, तो ये क्लोज़ हुआ ₹335.15 पर, ऊपर हुआ, ओपन हुआ ₹39.60 पर। उसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर इसने ऊपर को जो मुँह किया, फिर इसने नीचे नहीं देखा, ऊपर चलता ही चला गया, हल्का फुल्का नीचे डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इसके अंदर अप मूव देखने को मिला, शाम तक इसमें यही सिलसिला रहा। वहीं इसका वॉल्यूम भी देखें तो देखिए, शेयर भागा है और वॉल्यूम के साथ भागा है। वॉल्यूम कितना तगड़ा है, 1,71,48,192, इतनी बड़ी इसके अंदर कनेक्टिविटी देखने के लिए मिली आज। जो शेयर होल्डर होते हैं, खरीदने वाले होते हैं,
उन्होंने बहुत अच्छी तादाद के अंदर इसके अंदर आज काम किया और उसका उनको फल भी मिला। वहीं बावन वीक की बात करें इसकी, तो देखिए बावन वीक इसका लो 159 रुपये का है और हाई 396 रुपये का। हालांकि ये शेयर अपने बोनस जो शेयर मिले उनसे पहले 500-550 रुपये कारोबार कर रहा था। बोनस मिलने के कारण इस शेयर के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली और इस शेयर के अंदर अब आपको ये देखना है कि हमें कहाँ ख़रीदना है और कहाँ सेल करना है। समझदारी यही कहती है न्यूज़ आ रही है अच्छी, वॉल्यूम आ रहा है अच्छा, डिविडेंड अच्छा बांटने वाली है कंपनी, तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे टाइम पे शेयरों में और साथ ही साथ इसके अंदर अप मूव भी चालू हो गया है, तो ऐसे शेयरों के अंदर अक्सर ख़रीदारी करी जाती है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप ख़रीदारी करें, ख़रीदारी करनी है या नहीं करनी वो आप खुद रिसर्च करके देखें शेयर की क्या चाल है, शेयर के अंदर क्या हो सकता है, खुद रिसर्च करें तभी जाकर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा काम आपको सिर्फ न्यूज़ बताना है। मैं हर बार और बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, आप मेरी वीडियो देखकर या मेरी बात सुनकर किसी शेयर को सेल ना करें और ना ही बाय करें, यह आपकी खुद की डिसीजन होना चाहिए, ना कि मेरी वीडियो के ऊपर देखकर आप डिसीजन लें। एक्सपर्ट रेटिंग देखें तो ये एक्सपर्ट की रेटिंग है, इस पर 48% इसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं, 26% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं और 26% सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए मात्र 26% जो सेल करने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस शेयर के अंदर आपने देखा इसका बावन वीक लो कितना कम था और हाई कितना ज़्यादा था, इसीलिए लोग कह रहे हैं इसको सेल करने के लिए 26%। लेकिन फ़िलहाल इसमें सेल करने का मेरी नॉलेज के हिसाब से टाइम नहीं है, इसके अंदर बाय करने का टाइम है और इसको तकरीबन जब तक डिविडेंड मिलता है तब तक होल्ड किया जा सकता है, ये मेरी सोच है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, दी हुई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसका भी कमेंट कर दिया करें और चैनल पे पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।